अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे 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 भैया, आप कहाँ चले? मैडम बहुत तबियत खराब है। अरे तो आप जा कैसे सकते हैं? इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा सामान है, अकेले कैसे उतारेंगे बच्चे इतना सामान? अब रुक जाइए, हमारे पास दवाई है, हम आपको दवाई दे देते हैं। अरे हमको डॉक्टर के पास जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं, दवाई है ना, आराम लग जाएगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। इतनी ये लीजिए, ये दवाई खाइए और ठीक हो जाइए जल्दी से। हम ले लेंगे। अरे ले लेंगे क्या होता है, ले लीजिए ना, ये लीजिए, पानी लीजिए, खाइए दवाई। लेते हैं। अरे क्या हुआ, लीजिए ना दवा, खाइए जल्दी। अरे कहाँ फंस गए, खाइए जल्दी। अब हाँ खाते हैं। अरे खाते हैं क्या होता है, अब भाई खाइए ना, तभी तो आराम लगेगा। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए अब जाके पीछे वाली सीट पर लेट जाइए, आराम लगेगा आपको, थोड़े देर में दवाई का असर शुरू होगा। हाँ अरे भैया आप बस रोक के कहे खड़े हैं, अरे चलिए चलिए बस आगे बढ़ाइए। कहीं बम के साथ हम भी ऐसे पड़ गए तो क्या होगा, क्या करें? जो बम बनाया है वही उसको रोकने का तरीका बताएगा। हेलो, अरे सीट के नीचे रखा है, सबसे पहले हमें उड़ेंगे। अरे भगवान का नाम लेती रहो, हम कौनो जुगाड़ कर रहे हैं। अरे आपके जुगाड़ के चक्कर में हमारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, और हम बताए दे रहे अगर हम ऊपर गए ना तो हम आपको भी बुला लेंगे। अरे बोलिए ना कोच, काहे नहीं बोल। मतलब ठीक है, हम जब कुछ होगा तो बताइएगा, जैसा होगा। हाँ हम ठीक हैं, रखते हैं। कहीं चुटकी को हम पर शक तो नहीं हो गया? पता नहीं, दिल में सुबह से अजीब सी घबराहट काहे हो रही है, जैसे कुछ हो गलत होने वाला हो। गौरी बेटा क्या हुआ, तुम बाकी बच्चों की तरह मस्ती काहे नहीं कर रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए का? तुम दोनों की शादी में कोनो अड़चन ना आए इसलिए शांति पूजा करानी है तुम दोनों के हाथों से, और वैसे भी अभी महुआ घर में नहीं है तो कोनो अड़चन करेगा भी नहीं। ठीक है अम्मा जी, हम तैयार होकर आते। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ये शादी सिर्फ और सिर्फ गौरी को अपने पास रखने के लिए कर रहे हैं, हमें पूजा वगैरह नहीं करेंगे। अरे घर की शांति के लिए जरूरी है। हमने कह दिया ना अम्मा जी, हमें कोई पूजा नहीं करनी। आर्यन माना कि ये शादी समझौते वाली है, पर ये पूजा भी तो हमने गौरी के लिए रखी है ना, प्लीज आर्यन गौरी के लिए पूजा कर लो। गौरी का नाम लेकर अपना काम निकलवा रही है। आर्यन गरिमा, पूजा का समय हो रहा है बेटा। इस पूजा में सिर्फ और सिर्फ भाभी का बैठने का हक है, एक गरिमा का नहीं। हमें ना ये पूजा को रोकना होगा। अंताक्षरी खेलोगे हमारे साथ? क्या है, जा यहाँ से। क्या करेगी पिकनिक पे? यहाँ अंताक्षरी नहीं खेल सकती, वहाँ ग्राउंड पे क्या खेलेगी? तुम यहाँ आए ही क्यों हो, क्या करोगी पिकनिक पे? वहाँ हम खेलेंगे, दौड़ेंगे, जैसे बर्थडे पार्टी में मुंह फुला कर चली गई थी वैसे ही करेगी। अरे ये वहाँ से कहाँ जाएगी, वहाँ तो उसके पापा भी नहीं होंगे। तुम सब लोग हमारी बहन को चिढ़ाना बंद करो, तू हमारे साइड लेना बंद कर, सबके सामने दिखावा करना बंद कर, दादी
गौरी का तुझे बहन मानती है? तू पागल है, वो तो तुझे देखती भी नहीं और तू उसकी साइड लेती है। अरे बच्चों ये सब का कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कोनों का मजाक उड़ाना गलत बात। यहाँ सब बच्चे एक बराबर हैं, ना कोनो कम और ना ही कोनो ज्यादा। ठीक है अब चलो गौरी से सब सारी बोलो। सॉरी गौरी। अब चलो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। अरे जितना ज्यादा भरत मिलाप और भाईचारा दोस्ती यारी दिखानी है ना दिखा लो, कहे कि बचेगा तो कोई भी नहीं। हाँ हाँ बोलिए। सुनो एक प्लान है। प्लान? और कैसा प्लान? अभी सीट के नीचे से बम निकालो। कहाँ निकाले? बम निकालो सीट के नीचे से। अरे बम आ गए हैं कहाँ? रॉन्ग नंबर। आपको कभी नहीं देखा हमने स्कूल में। कैसे देखोगे बेटा, हम तो आते हैं ना, दूसरी शिफ्ट में आती हूँ मैं। आती हूँ? आता हूँ। वैसे नाम क्या है आपका? अब नाम पता एड्रेस सब बता देगा तुमको। हाँ देख नहीं रहा हमारा तबीयत खराब है? चलो हटो यहाँ से, चलो यहाँ से। क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? मैडम आपको तो पता ही है हमारा तबीयत नहीं ठीक है, अभी बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। हमको थोड़ा आराम करना था बस। कृष्णा बेटा चलो आ जाओ। माई वो पियून अंकल है ना, किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। जाने दो होगी कौनो बात, हमें का। और तुम ना बिल्कुल अपने बाबा पे गई हो, तुम्हारे मन में भी ना अपने बाबा की तरह शक बसा हुआ है, हर किसी को अपराधी की नजर से देखती हो। देखना माई एक दिन बाबा को हम पे गर्व होगा। हाँ वो तो है। अम्मा जी पूजा का समय हो गया, आर्यन और गरिमा बिटिया को बुला लीजिए। आर्यन गरिमा बेटा पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आओ। इस पूजा में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ भाभी का है, गरिमा का नहीं। हमें इस पूजा को रोकना होगा। अम्मा जी मैं बुलाकर आती हूँ। इस बम का क्या करें? हेलो। हाँ हेलो, क्या बोल रहे थे? अरे सुनो तुम, क्या करी इस बम का? अरे बता रहे थे ना आप कुछ। पहले सुनो तो, उसमें एक हरे रंग का तार होगा, उसको निकाल दो, बम बंद हो जाएगा। और हाँ सीट के नीचे से बम को निकालो और बस के नीचे कहीं फिट कर दो। ये पगला कहे का, हम यहाँ स्क्रू पौना लेके शुरू हो जाए और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ दिमाग खराब है आपका। हाँ तो मरो सबके साथ में, बम फट जाएगा तुम भी मर जाओगी। हाँ फोन काट दिया। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।